हेलो किचन मम्मी दियो में आप सभी का स्वागत। भाई दिवाली तो हो गई, भाई दूज आ रहे, तो क्यों ना कुछ अलग बनाया जाए। मीठा मीठा तो बहुत हो गया, मैंने बोला थोड़ा कम इसमें केक बनाते, थोड़ा कम मीठा भी रहेगा, मस्त यम्मी सा झटपट बन भी जाएगा घर पे। क्योंकि मीठा तो बहुत ही हो गया, केक इतना मीठा नहीं होगा क्योंकि हमने ना व्हिप क्रीम यूज़ करना है ना कुछ, सिंपल सा केक बनाना है झटपट वाला, वो भी घर पे, ना बाहर जाने की झंझट है ना कुछ। तो चलो बना लेते हैं सिंपल सा, ना दूध यूज़ करेंगे ना दही, कुछ भी नहीं, सिंपल एकदम। तो बस मैंने चीनी ली, अरे सॉरी तेल लिया हाफ और 3/4 कप शक्कर, इसको डाल के इन्हें अच्छे से मिक्स करना है। पाउडर शुगर होगा तो वो भी बेस्ट है, वो आप डाल लेना, नहीं तो ऐसे कर लो, अगर चाहिए तो आप ऐसे कर लो। बस इसे मिक्स कर करके फेंटना है। तो बस ये अच्छे से मिक्स हो गया, फेट हो गया, पाउडर शुगर डालोगे तो जल्दी हो जाएगा काम। मैंने मिक्सर किया नहीं, अगर मिक्सर करके भी शक्कर डाल सकते हो बस। और 1 कप कितना अब मैदा लिया, एंड देन 1 टेबल स्पून वेनिला एसेंस, और आपको बोला ना मैं दूध दही कुछ नहीं यूज़ करना है, पानी में घोलेंगे। और यकीन माने इतने मज़े के बने थे ना, मार्केट के भी केक फील लगेंगे आपको, बड़े यम्मी, बड़ी टेस्टी, सिंपल सा। बस इन सबको थोड़े थोड़े पानी डाल के अच्छे से एक बैटर तैयार करना है, जैसे होता है लिक्विड कंसिस्टेंसी में, एक फ्लोई लिक्विड नहीं सॉरी फ्लोई कंसिस्टेंसी में बनाना है। तो बस ये अच्छे से हो गया, आप देख सकते कितना अच्छे से फेटा हुआ है। तो बस इसमें मैं थोड़े से टूटी फ्रूटी एक डाल दे रही हूँ, और चॉकलेट थे मेरे पास थोड़े बचे हुए, वो डाल दे रही हूँ मैं इसमें। बस इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आप बोलोगे ठीक होगा, तो भाई हाँ थोड़ा सा है, फ्लोई कंसिस्टेंसी नहीं है। तो बस इसमें क्योंकि अभी हमें बेकिंग सोडा इनो डालना है, तो पानी डालेंगे ही इसलिए थोड़ा। तो बस 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून कितना बेकिंग पाउडर डाल, बेकिंग पाउडर हाफ और बेकिंग सोडा 1/4, और पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करना है। और ये देखिए फ्लफी भी होने लगी, आप देखेंगे तो। और ये देखिए ये फ्लोई कंसिस्टेंसी में हो भी गया, देख रहे हैं प्रॉपर एकदम फ्लोई कंसिस्टेंसी। तो बस ये इसे हम करते हैं साइड में। और ये केक का टिन था जिसे मैंने ऑयल से पहले से ग्रीस करके रख लिया, ये देख सकते होंगे। और अब इसमें हम ये बैटर डाल देंगे, आप देख सकते होंगे कैसे फ्लोई कंसिस्टेंसी में आ रहा है, देख रहे हैं आपको। तो एक प्रॉपर बैटर तैयार हुआ, एक फ्लोई कंसिस्टेंसी में जैसे चाहिए वैसे ही प्रॉपर एकदम तैयार होते। बस इसे हम टैप कर देंगे ताकि कोई एयर बबल्स हो वो अच्छे से बैठ जाए। एंड देन इसमें थोड़ा सा टूटी फूटी और डाल दूंगी, और साथ में ये मैं बोल रही थी मेरे पास बच्चे हुए चॉकलेट थे दिवाली के गिफ्ट्स के, वो डाल दे रही है। एंड देन अब कुकर मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, आप देख सकते हैं कैसे काले काले। और नमक डाल देंगे साथ में, स्प्रेड कर देंगे, आपके पास अगर कुछ स्टैंड होगा स्टैंड रखना, नहीं तो ये प्लेट कटोरी कुछ भी रख दो। और इसके ऊपर से हम अपना केक रख देंगे, करीबन 45 मिनट तो लगेंगे आप, और ज़्यादा भी लग सकते हैं आपके बर्तन के नीचे की तली के ऊपर डिपेंड है। तो बस मुझे कम से कम 45 मिनट लगा, 10 मिनट मैंने फास्ट पे रखा था, एंड देन 35 मिनट एकदम लो फ्लेम पे। और आप देख सकते हैं कितना एकदम क्लीन निकले। अगर मैं आपको दिखाऊं बीच में से भी, अगर आप बोलोगे कि नहीं आप साइड मिडल में ये देखिए डाल रही हूँ, और कितना क्लीन निकले। तो बस इसे हम निकाल के रख देते हैं रूम के टेम्परेचर पे एकदम ठंडा होने के लिए, ताकि ठंडा होगा तभी ईजिली अच्छे से निकल पाएगा और खा भी पाएंगे। तो बस इसे मैंने निकाल के रख देने हैं, और आप देख सकते हैं क्या मस्त कलर है। बस ये ऑलमोस्ट ठंड हो गया, मैं इसे टच कर सकती। तो बस इसके साइड को मैं स्क्रब कर, मतलब साइड को चाकू ख्याल से स्क्रब कर दूँगी ताकि अच्छे से इजीली निकल जाए। एंड देन अब एक प्लेट लेंगे, इसे उल्टा करके टैप करेंगे ताकि अच्छे से हमारे केक निकल जाए। तो बस इसे टैप किया मैंने, अब निकालते हैं। ये देखिए प्रॉपर नीचे का कलर देख रहे हैं आप, कितना मस्त और कितना अच्छे दिख रहे हैं मम्मी। तो बस इसे अब सीधा करते और आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत ही लजीज थे, बहुत ही यम्मी, और घर पे बने थे, ना दूध ना दही ना आवन, कोई की ज़रूरत नहीं, कुकर में बनाओ मस्त एकदम। आप देख सकते हो, ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करना और मुझे बताना आपको रेसिपी कैसी लगी। और आपको इसकी स्पंजनेस दिखाऊँ तो ये देख सकते हो कितना जालीदार दिख रहा है, कितने फूले हुए एकदम, ये देखिए दिख रहे हैं कितना फूला है। तो उम्मीद करती हूँ जरूर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे आपको कैसे। तो तब तक के लिए खाओ पियो मज़े को, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।